हर साल के मार्च माह के दूसरे गुरुवार को जो है विश्व किडनी दिवस जो मनाया जाता है, जागरूकता के लिए ये विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टर से उनसे हम जानेंगे कि किंग्सवे अस्पताल द्वारा जो है किडनी दिवस पर कुछ विशेष ऐसे अस्पताल की ओर से कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है या पेशेंट लोगों के लिए कुछ अलग थेरेपी जो है इसमें। आज 11 मार्च 2021 विश्व किडनी दिवस, इस दिन का सभी किडनी के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी इसके उपक्रम से यह विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य है कि जनसाधारण में इसकी किडनी की बीमारी की जागरूकता बढ़ाई जाए, और जैसा कि जो किडनी के पेशेंट्स रहते हैं जिनकी किडनियां ख़राब हो जाती है उनके लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, एक डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जिसका डायलिसिस शुरू हो गया है उसे आजीवन डायलिसिस कराना होता है, और इसके लिए काफ़ी खर्च होता है। इसमें लगने वाला खर्च जो रहता है वो काफ़ी होता है। तो हम इस विश्व किडनी दिवस पे किंग्सवे हॉस्पिटल ने फ्री नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन की सुविधा 31 मार्च तक के दी है, और हर मरीज़ जो डायलिसिस पे है उसे एक डायलिसिस फ्री करने का एक जो संधि है वो इस विश्व किडनी दिवस पे हम लोगों ने 31 मार्च तक के ये सुविधा किडनी पेशेंट्स के जिनके डायलिसिस चालू है उनके लिए दी है। किडनी की बीमारियों से दूर रहने के लिए किस तरह की मतलब दिनचर्या अपनानी चाहिए लोगों ने? आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी के पेशेंट जो है बहुत बढ़ रहे हैं। जो दो मुख्य कारण हैं, एक है बढ़ता हुआ डायबिटीज़, बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर के मरीज़, और तीसरा है मोटापा। चौथा है जो लाइफस्टाइल है अभी वो काफ़ी सब मशीनीकरण हो गया है, तो शारीरिक व्यायाम जो पेशेंट जो जनसाधारण ने करना चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो इनसे ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेज़ बढ़ रहे हैं, और लाइफस्टाइल डिसीजेज़ के बढ़ने के वजह से है किडनी की बीमारियां बढ़ रही है। तो यह ज़रूरी है कि हम संतुलित आहार करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और अपना वजन संतुलित रखें। आहार संतुलित रहेगा, नियमित व्यायाम रहेगा तो वजन भी संतुलित रहेगा, और ये हमें लाइफस्टाइल डिसीजेज़ से काफ़ी कुछ मदद कर सकता है बचने में। बिल्कुल। विश्व किडनी दिवस पर जो है क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? अपनी किडनी बचाए रखें, बीपी का, शुगर का कंट्रोल बराबर रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, नमक का सेवन जितना कम कर सकते हैं उतना नमक का सेवन कम करें, नियमित व्यायाम करें और टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाते जाएं। जैसा कि बताया गया है कि किडनी की बीमारियां हर बार कोई ड्रामेटिक लक्षण ही देगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो सतर्क रहें और टाइम टू टाइम चेकअप करके इन बीमारियों से बचें। धन्यवाद। तो किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें दी गई है विश्व किडनी दिवस के अवसर पर, और नागरिकों ने भी इसका ध्यान रखे जो डॉक्टरों द्वारा बताया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षिति जादेशमुख, BCN News नागपुर।